खबर है कि जस्टिन बीरबल, माफ़ कीजिएगा, जस्टिन बीबर 18 अक्टूबर में इंडिया आ रहे हैं। दिल्ली में उनका कॉन्सर्ट है। इसको लेकर इंडिया के तमाम टीनेजर्स और ख़ास कर कि 22-23 साल की उम्र तक वाले युवा वर्ग में ज़बरदस्त क्रेज़ है। वो किसी भी कीमत पर जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट में जाना चाहते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। टिकट प्राइस 4,000 से शुरू है, लेकिन जो महंगे टिकट हैं वो लाख रुपये तक के भी जाएंगे। 1.5 लाख रुपए तक का भी टिकट बिकेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि जस्टिन बीबर किसी भी कॉन्सर्ट में जाते हैं मिलियन डॉलर से नीचे बात नहीं करते। जब उनकी फ़ीस इतनी हो जाती है तो ऑर्गेनाइजर्स कहीं ना कहीं से तो पैसा जुटाएंगे, इसीलिए ज़्यादातर टिकट लाखों रुपए में बिकते हैं। टिकट ब्लैक भी होते हैं, कोई सस्ते में ख़रीद के बाद में महंगे में बेच देता है। लेकिन अगर आप जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट में जाने के काफ़ी ज़्यादा इच्छुक हैं, तो इससे पहले आपको एक बार जस्टिन बीबर का 2017 का मुंबई कॉन्सर्ट याद कर लेना चाहिए। जस्टिन बीबर आए, जस्टिन बीबर चले गए, जस्टिन बीबर ने एक शब्द नहीं गाया पूरे कॉन्सर्ट में। पूरे कॉन्सर्ट लिप सिंक करते रहे, पीछे गाना चलता रहा, लिप सिंक भी ठीक से किया नहीं, और वो इतनी जल्दी में थे कि एक भी शब्द उन्होंने गाया ही नहीं पूरे मुंबई कॉन्सर्ट में। लोगों ने महंगे महंगे टिकट खरीदे थे, लाख रुपए तक के टिकट थे तब भी, अब से 5 साल पहले। बॉलीवुड की तमाम हस्तियां गई थी कि जी जस्टिन बीबर आए हैं, जस्टिन बीबर को लाइव गाते हुए सुनेंगे, लेकिन जस्टिन बीबर ने सभी का रख के काट दिया। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप टिकट लेते हैं, आप किसी लाइव कॉन्सर्ट में जाते हैं, आपको उम्मीद रहती है कि जी वो सिंगर आएगा और वो सिंगर गाएगा तो मज़ा आएगा, लेकिन वो सिंगर तो पीछे चले हुए गानों पर लिप सिंक करके चला जाता है। और अब दिल्ली कॉन्सर्ट है, हमें उम्मीद है दिल्ली कॉन्सर्ट में जब जस्टिन बीबर आए तो जो लोग लाख लाख रुपए के टिकट लेकर बैठे हैं उनके दिल ना टूटे जैसे मुंबई वालों का टूटा था, और जस्टिन बीबर मुंह से कुछ गाएं, यहाँ पर लिप सिंक करके चले ना जाएं। हम तो यही चाहेंगे उनके सभी फैंस के लिए, और यही फैंस को लिए अच्छा भी होगा, फैंस को लगेगा कि भैया कॉन्सर्ट में आए हैं। वरना अगर लिप सिंक करके चले जाएंगे तो फैंस तो यही सोचेंगे इससे तो अच्छा खुद डीजे पर गाना बजा लेते, वही ठीक रहता, इतना पैसा तो खर्चा ना करना पड़ता। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।